वेलकम बैक गाइस। पोकेमोन वर्ल्ड में यार बहुत सारे भर भर के पोकेमोन्स हैं, लेकिन जिनमें से काफी पोकेमोन तो ऐसे होते हैं भाई, तुम ऐसे ढूंढने ना भी जाओ तो तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे भाई, इतना इजी होता है उनको ढूंढना तो। लेकिन कुछ पोकेमोन ऐसे होते हैं जिनको भाई तुम चाह के भी 10-10 दिन लगा दो तब भी तुमको नहीं मिलेंगे, मतलब इतने रेयर होते हैं वो पोकेमोन। आज की वीडियो में तुम लोग को हर एक रीजन में से सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो में तुम लोग को डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, बस एंड तक जरूर देखना। चलो आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई कैंटो के साथ में। कैंटो में एक काफी रेयर पोकेमोन है जो कि है ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट हम लोग जानते हैं कि कैंटो का एक लौता सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, एक लौता ड्रैगन पोकेमोन है, और यार ये काफी पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा हम सबको है, लेकिन पावरफुल के साथ साथ यार ये काफी ज्यादा रेयर भी है। ओरिजिनल भाई कैंटो गेम्स में, भाई कैंटो रीजन के अंदर ये पोकेमोन काफी रेयर है, मतलब तुम लोग को ये बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। इसलिए पोकेमोन फायर रेड के अंदर तो फिर भी इसको ढूंढना थोड़ा सा इजी है, मतलब बस थोड़ा सा इजी बोल रहा हूँ भाई, ज्यादा भी नहीं। लाइक तुमको सफारी जोन वगैरह पे ये मिल सकता है, बहुत रेयर रहता है वहां पर भी, लेकिन तुम ढूंढो तो मिल सकता है। लेकिन ओरिजिनल पोकेमोन गेम्स यानी कि पोकेमोन रेड वगैरह में तो ये और भी ज्यादा रेयर था भाई, इतना मुश्किल से मिलेगा तुमको। तुमको गेम कॉर्नर से भाई खरीदना पड़ेगा, या तो इसको जो कि ड्रेटिनी वाले फॉर्म में मिलेगा, फिर इसको इवॉल्व करो, और ये इतना ज्यादा धीरे धीरे लेवल अप होता है ना, क्या बात करें, तुम पागल हो जाओगे भाई इसको ड्रैगनाइट बनाते बनाते। तो डेफिनेटली ये बहुत रेयर है। इसके अलावा कैंटो में यार एक ऑनरेबल मेंशन भी दूंगा मैं अलेकजाम को। अलेकजाम भी भाई काफी रेयर है कैंटो के अंदर। और एक और ये बात है भाई, पहले तो मिलता मुश्किल से है, और अगर तुमको मिल भी गया ना भाई चांस, तो यार ये तुमको मतलब बहुत मुश्किल से ही तुम इसको पकड़ पाओगे, क्योंकि यार ये टेलीपोर्ट हो जाता है तो इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है भाई। काफी लकी लोग ही रहेंगे जिनके पास अलेकजाम है, क्योंकि अगर मिल भी गया तुमको एब्रा, तो फिर कटाब्रा बनाने के बाद फिर भाई लगता है ट्रेड एवोल्यूशन, और बहुत कम ही लोग रहते हैं जिनके पास पोकेमोन खेलने वाले दोस्त रहते हैं। अगर हैं तो भाई फिर तुम्हारा ट्रेड हो सकता है और अलेकजाम तब मिलेगा। तो डेफिनेटली ये दो कैंटो के काफी रेयर पोकेमोन है। अगला रीजन है जोटो रीजन। जोटो के अंदर सबसे रेयर पोकेमोन रहेगा टेडी अर्सा। ये इतना क्यूट सा दिखने वाला पोकेमोन शायद तुमने सोचा नहीं होगा, बट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रेयर है, और सिर्फ जोटो के अंदर ही नहीं, एक्चुअली आगे के जनरेशन में भी काफी रेयर है। जोटो के अंदर भाई ये वर्जन एक्सक्लूसिव पोकेमोन है, यानी कि तुमको सिर्फ हार्ट गोल्ड और गोल्ड में ही मिलेगा ये। तो हाँ, डेफिनेटली इसको तुम एक ही वर्जन में पकड़ सकते हो, और बहुत मुश्किल से ही पकड़ा जाता है भाई ये, बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना भी, काफी रेयर है जोटो के अंदर। और फिर यार जेन 3 यानी कि होएन के अंदर तो और भी मुश्किल है भाई, तुमको सफारी जोन के अंदर ही मिलेगा, वो भी गेम खत्म करने के बाद। फिर जेन 4 में भी काफी मुश्किल से मिलता है। तो ये तो सिर्फ जोटो में नहीं, एक्चुअली आगे के गेम्स में भी काफी रेयर है, फिर उसके बाद के गेम्स में तो भाई ये मिलता ही नहीं है। तो हाँ, डेफिनेटली ये वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमोन है जोटो का, और या फिर कह सकते हैं सबसे रेयरेस्ट है। नेक्स्ट रीजन आता है होएन रीजन। होएन के अंदर सबसे ज्यादा रेयर है फीबेस पोकेमोन। ऐसा तो हो नहीं सकता तुम फीबेस को नहीं जानते होगे भाई, इसको हर कोई जानता है, ये मैजिक कार्प का भाई भी कह सकते हो तुम लोग इसको। तो ये भी भाई बिल्कुल मतलब पहले फीबेस रहता है, फिर माइलोटिक जैसा सुंदर पोकेमोन बन जाता है। अब यार ये होएन के अंदर बहुत ज्यादा रेयर है, मतलब तुमको ये सिर्फ एक जगह पे मिलेगा जो कि है रूट 119। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि तुम पानी में ढूंढो एक सेकंड में मिल जाएगा, नहीं, ये किसी ना किसी सिर्फ और सिर्फ 6 टाइल्स पे रहता है, जो कि बिल्कुल रैंडम टाइल्स रहेंगी, बार बार बदलती जाएंगी ये टाइल्स, और उनमें से भाई किसी भी 6 टाइल में तुमको मिल सकता है। और अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तभी ये तुमको मिलेगा, वरना भाई इसको ढूंढना एकदम इम्पॉसिबल टाइप का मान लो, मतलब इम्पॉसिबल तो ज्यादा ही बोल दिया, एक्चुअली इम्पॉसिबल तो नहीं है भाई, ढूंढ सकते हो तुम लोग, पर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा इसको ढूंढना। तो डेफिनेटली बहुत रेयर है ये, और बाकी तुम लोग ट्रेडिंग वगैरह से ले सकते हो भाई अपने दोस्तों से, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत कम ही लोगों के दोस्त भाई पोकेमोन खेलते हैं, तो ये भी काफी मुश्किल ही है। तो डेफिनेटली होएन के अंदर सबसे रेयर फीबेस है। नेक्स्ट रीजन आता है सिनो रीजन। सिनो का सबसे रेयरेस्ट पोकेमोन रहेगा भाई मंचलैक्स। ये यार एक काफी मस्त पोकेमोन है, और हाँ काफी लोगों को लगता है कि भाई ये होएन से है, पर नहीं यार, हाँ भले ये होएन के एनिमे में हमको पहले दिख गया था, लेकिन ये एक्चुअली सिनो का पोकेमोन है, ये सिनो का पोकेमोन गिना जाता है जेन 4 का। तो हाँ, ये जेन 4 सिनो का सबसे रेयरेस्ट पोकेमोन है। यार मंचलैक्स ना तुमको सिनो के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रीज रहती है उन्हीं पे मिल सकता है, जब तुम उन पे हनी लगाओगे तब। तो बहुत कम इसका स्पॉन रेट है, सिर्फ 1% का इसका स्पॉन रेट है, तो यानी कि बहुत कम चांसेस रहेंगे कि भाई ये आएगा, और तुमको मतलब 6-7 घंटे भाई एक एक दिन बहुत बहुत टाइम रुकना पड़ेगा यार, अगर तुम्हारा लक अच्छा निकलता है तभी जाके तुम्हें मिल सकता है। मैंने जैसे बताया इसका स्पॉन रेट बस 1% है, तो उसी से तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितना कम स्पॉन होता है यार। तो बहुत मुश्किल है इसको कैच करना, और सिनो के अंदर डेफिनेटली सबसे नॉन लेजेंडरी रेयरेस्ट पोकेमोन यही है। नेक्स्ट रीजन आता है यूनोवा रीजन। यूनोवा के अंदर सबसे रेयरेस्ट पोकेमोन रहेगा मुशुरना पोकेमोन। इसका प्रोनाउंसिएशन होपफुली यही हो। अब यार ये काफी मस्त साइकिक टाइप पोकेमोन है यूनोवा रीजन से, काफी सही है यार ये पोकेमोन। अब यार ये बहुत ज्यादा रेयर है यूनोवा के अंदर, क्योंकि यूनोवा में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, वो जगह है स्ट्रेटन सिटी का ड्रीम यार्ड। अब यार पहले तो तुमको इस जगह पे जाने के लिए पूरा गेम खत्म करना पड़ेगा, यानी कि ये तुमको पोकेमोन तभी मिल सकता है जब तुमने पूरा गेम खत्म कर रखा हो। तो पूरा गेम हराने के बाद जब तुम इस जगह पे जाओगे ड्रीम यार्ड में,
तब भाई सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाले दिन पे ये पोकेमोन स्पॉन होता है, और तब भी इसका स्पॉन रेट बहुत कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम ही तुमको देखने मिलेगा वहाँ पे। तो पहले तो भाई तुमको फ्राइडे तक रुकना पड़ करेगा, और फ्राइडे के दिन पे भाई पूरा ढूंढो, तब जाके हो सकता है तुम लक्की निकलो तो भाई एक बार का चांस है ये आ जाए, क्योंकि इसका स्पॉन रेट बहुत कम है, तो फ्राइडे को भी इसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेटली यार यूनोवा के अंदर काफ़ी रेयर पोकेमोन है ये। इसके अलावा ये यूनोवा के अंदर लार्वेस्टा भी काफ़ी रेयर है। लार्वेस्टा जो है ये वोल्कोरोना पोकेमोन तुम लोग जानते होगा, इसका प्री एवोल्यूशन है। तो ये तुमको मिलेगा भाई सिर्फ और सिर्फ एक एग के फॉर्म में, यानी कि एक बंदा रहता है वो तुमको एग देता है भाई लार्वेस्टा का, ये तुमको तभी मिल सकता है, वैसे लार्वेस्टा वाइल्ड में मिलना बहुत मुश्किल है। और वोल्कोरोना भी तुमको वो डेजर्ट वाली जगह पर मिलता है, तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी रेयर पोकेमोन है। नेक्स्ट रीजन आता है कैलोस रीजन। अब यार देखो कैलोस के अंदर जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट पोकेमोन है ना, वो कैलोस का ही नहीं है, वो है भाई सिनो रीजन से, जो कि है अबामा स्नो पोकेमोन। ये भाई एक काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, और ये एक्चुअली सिनो रीजन से है, ना कि भाई कालोस से। लेकिन कालोस के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेयर पोकेमोन है वो यही है, जो कि भाई एक रूट पे मिलता है, स्नो वाली रूट पे, और वहाँ पे इसका कैच रेट बस 1% रहता है, इसका स्पॉन रेट भी बस 1% है। डेफिनेटली भाई बहुत तुमको मुश्किल से मिलेगा, अगर मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मैंने बताया भाई तुमको इसका कैच रेट और स्पॉन रेट दोनों ही बहुत कम है, तो मिल भी गया तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो यार एक्चुअली कालोस के अंदर ही सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है भाई अबामा स्नो, लेकिन अब क्योंकि ये कालोस से नहीं है तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग होगा हाउलूचा। हाउलूचा पोकेमॉन वैसे तो लगता तो काफ़ी कॉमन सा है कालोस के अंदर, पर एक्चुअली ये भी काफ़ी रेयर है, जितना भाई मैंने खेला है उस हिसाब से, तो मैंने देखा है गेम्स के अंदर ये काफ़ी मुश्किल से ही मिलता है, और ये तुमको बस गेम के कुछ सिलेक्टिव जगहों पे ही मिलेगा, बहुत कम ही मिलता है भाई ये, और ये बहुत ज़्यादा रेयर भी है, और इसका कैच रेट भी भाई बहुत ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली तुमको अगर मिल गया तो काफ़ी पोकेबॉल्स लगने वाली है भाई इसको पकड़ने के लिए। तो हाँ मेरे ख्याल से कालोस का कोई पोकेमॉन देखे तो भाई ये वन ऑफ द रेयरेस्ट होगा, जो कि नॉन लेजेंडरी है। नेक्स्ट रीजन है अलोला रीजन। अलोला के अंदर सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट पोकेमॉन है भाई मेरीन पोकेमॉन। ये भाई एक काफ़ी शानदार पोकेमॉन है अलोला से, और यार ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेयर है अलोला के अंदर। सबसे पहले तो इसको पकड़ने के लिए भाई तुमको लगेगा फिशिंग रॉड, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम इसे फिशिंग करते टाइम ही कैच कर सकते हो, और एक ही जगह पे भाई ये मिलता है, वहाँ पे इसका 20% कैच रेट रहता है, मतलब स्पॉन रेट रहता है भाई कि 20% चांसेस है तुमको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है भाई, तो उस जगह पे तुमको जाके ये मिलेगा। काफ़ी अगर तुम लक्की होगे भाई तभी जाके ये स्पॉन होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा रेयर है भाई। डेफिनेटली यार अलोला के अंदर उतने ज़्यादा रेयर पोकेमॉन नहीं है, यही सबसे ज़्यादा रेयर है, हाँ, और अलोला का पोकेमॉन है ये, इसी वजह से मैं इसको ले रहा हूँ। नेक्स्ट आता है गलार रीजन। गलार के अंदर सबसे ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है ड्रीपी। ये भाई एक घोस्ट और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है, और हाँ ये सुडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी है गलार रीजन का। अब यार ये बहुत ज़्यादा ही रेयर है गलार के अंदर, क्योंकि पूरे गलार में ये सिर्फ एक जगह पे मिलता है, वो है लेक ऑफ आउटरेज की वहाँ पे, और वहाँ पे भी यार एक स्पेसिफिक वेदर कंडीशन होता है, कुछ 3-4 वेदर कंडीशन होंगे, उसी टाइप पे भाई ये मिलता है। तो सबसे पहले तो तुमको वेदर कंडीशन के लिए रुकना पड़ेगा, कि भाई अगर जब मौसम थोड़ा सा फॉगी हो जाएगा तब तक जैसे तुमको रुकना पड़ेगा, और तब अगर वैसा मौसम होता भी है तब भी सिर्फ इसका पकड़ने का कैच रेट और स्पॉन रेट सिर्फ और सिर्फ 1% है। मतलब यार इतने वेदर कंडीशन के लिए रुकने के बाद भी इसका स्पॉन रेट सिर्फ और सिर्फ 1% है भाई, सिर्फ 1% चांसेस है कि तुम इस पोकेमॉन को एनकाउंटर करो। तो डेफिनेटली अगर तुमको ये पोकेमॉन मिल जाता है तो भाई समझ लो तुम बहुत लक्की हो, क्योंकि तुमको इतना रेयर पोकेमॉन मिला है, और भाई बिल्कुल खुश हो जाओ यार, मोहल्ले में मिठाई विठाई बंटवा दो यार, ये इतना ज़्यादा खुश होने की बात है। हाँ शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बाकी जो भी हो बेसिकली भाई ड्रीपी सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट पोकेमॉन है गलार रीजन का। सो यही थी हमारी आज की लिस्ट भाई, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एम करते हैं 6000 लाइक्स के लिए। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो भाई, पोकेमॉन कंटेंट पसंद है तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।